नमः शिवाय। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष मंगलवार षष्ठी तिथि दोपहर 1:08 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में पूरे दिन चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव हैं। आज के जन्मे जातक शांत स्वभाव वाले, सुंदर, लोकप्रिय, धन और बल से युक्त, अध्ययनशील और थोड़े में ही संतुष्ट होने वाले होते हैं। ऐसे जातक तीव्र बुद्धि वाले, अच्छी स्मरण शक्ति वाले, खुश मिजाज, भौतिक इच्छाओं से परिपूर्ण, पूर्वानुमान लगाने में कुशल और सही व्यावहारिक निर्णय लेने वाले, प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, बुध और बृहस्पति की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी पूरे दिन और रात्रि 10:15 तक मिथुन राशि में ही चलते रहेंगे। तत्पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज भी चंद्रमा पर शनि की सातवीं दृष्टि कायम रहेगी, मगर नक्षत्र मंगल का होगा, जिससे आत्मबल बना रहेगा। सरकारी कामकाज पूरे होंगे, कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा और मन के नकारात्मक विचारों में कमी आएगी। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए हर कार्य करते जाएं, लाभ मिलेगा और सफल रहेंगे। मगर शाम के बाद महत्वपूर्ण निर्णय लेने या आर्थिक रूप से जोखिम वाले कामों के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। बृहस्पति अब तक वृश्चिक राशि में विशाखा नक्षत्र में चल रहे थे, मगर कल रात्रि से बृहस्पति अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जिसके नक्षत्र स्वामी शनि देव हैं। जिसकी वजह से जिन जातकों के बृहस्पति योग कारक ग्रह होंगे, उनके स्वभाव में, उनकी सोच में थोड़ा परिवर्तन संभव है। बृहस्पति के अनुराधा नक्षत्र में होने से आध्यात्मिकता में विकास होगा, मेहनत करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, न्याय संबंधी मामलों में त्वरित निर्णय लागू होगा, उग्र स्वभाव में सुधार होगा, आत्मरक्षा के प्रति संजीदगी बढ़ेगी और रुके हुए काम संपन्न होने का संकेत मिलता है। मेष राशि वाले जातकों के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रबल आत्मविश्वास कार्य योजनाओं में सहयोग करेंगे, मगर पहल करने की प्रवृत्ति प्रभावित होगी। धन लाभ सामान्य रहेगा। शासन सत्ता व अधिकारियों के सहयोग में कमी के साथ सरकारी कामकाज भी प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि साझेदारी के कामों में सफलता मिलेगी, मगर कुछ मामलों में मानसिक दबाव, भ्रम की स्थिति और घर गृहस्थी के प्रति चिंता का संकेत मिलता है। अपने सामान के प्रति सावधानी अपेक्षित है। चोरी होने या गायब होने का अंदेशा बनता है। निजी निवेश, वाहन और प्रॉपर्टी के मामलों में आज का दिन अनुकूल रहेगा। माँ के स्वास्थ्य में सुधार और सहयोग संभावित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और प्रयास पूरे होंगे। वृष राशि के जातकों के लिए धन संबंधी मामलों में लाभ और घर गृहस्थी संबंधी निवेश के विषय में गंभीरता बढ़ेगी। कार्य योजनाओं को सफल तरीके से लागू करेंगे, सरकारी कामकाज पूरे होंगे और सकारात्मक प्रेरणा लाभ दिलाएगी, मगर कुछ मामलों में कार्य योजनाओं की रुकावट का संकेत भी मिलता है। हालांकि आपका ऊर्जा स्तर प्रभावित रहेगा, मगर आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी और वित्तीय आवश्यकताओं को नियंत्रित करने में सफल रहेंगे। निर्णय लेने में सावधानी अपेक्षित है और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी भी बनाए रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। प्रयास करें, सफलता मिलेगी और वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए रचनात्मक सक्रियता में वृद्धि होगी। गृहोपयोगी वस्तुओं में निवेश होगा और पारिवारिक प्रेरणा बनी रहेगी। कार्य योजनाओं में सहयोग मिलता रहेगा। सरकारी कामकाज पूरे होंगे, मगर साझेदारी के कामों में रुकावट की संभावना बनती है। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा और नई कार्य योजनाओं की शुरुआत संभव है, मगर कुछ मामलों में निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति और लेन देन में गड़बड़ी से दोषारोपण की संभावना भी बनती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और मांगलिक कार्यों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कर्क राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी और नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होगा। अनावश्यक खर्च, अनचाही यात्रा भी संभावित है। विभागीय कर्मचारियों से सहयोग और कार्य योजनाओं में सफलता मिलेगी। व्यावसायिक पक्ष सक्रिय रहेगा और नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव लागू करेंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति आपकी कार्य क्षमता के ऊपर निर्धारित होगी। कुछ नई जिम्मेदारियां संभावित हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें, सफल रहेंगे और वैवाहिक मामलों के लिए शाम का समय अनुकूल रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी और व्यावसायिक योजनाओं में विकास होगा। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और नई कार्य योजनाओं को लागू करने में मदद मिलेगी।
मित्रों और रिश्तेदारों से भी लाभ संभव है और आज की साझेदारी सफल रहेगी। नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहें। कुछ मामलों में धन खर्च, मानसिक तनाव, गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि और अनावश्यक यात्राओं का संकेत भी मिलता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। साथ ही वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में विकास और नई कार्य योजनाओं की उपलब्धि का योग बनता है। आर्थिक सहयोग बना रहेगा और मित्रों और संबंधियों से सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। भाग्यवश काम अच्छे होंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मगर कुछ मामलों में भ्रमात्मक स्थिति और आय संबंधी संसाधनों में रुकावट का संकेत भी मिलता है। हालांकि अधिकारियों का सहयोग और उनकी प्रेरणा बनी रहेगी और अपने बुद्धि कौशल से उसका हल निकालने में सफल रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। तुला राशि के जातक निर्णय लेने में सावधानी बरतें। कार्य योजनाओं में विकास होगा, रुके हुए काम संपन्न होंगे और निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। धार्मिक भावना में वृद्धि होगी और सरकारी कार्यों में सहयोग मिलेगा। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव संभावित हैं और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा, मगर कुछ योजनाओं में विरोध या रुकावट का संकेत भी मिलता है। राजनीतिक व्यक्तियों से मुलाकात और सरकारी सहयोग कायम रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। पिता के स्वास्थ्य की चिंता और व्यावसायिक निर्णय लेने में सावधानी बरतें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। चंद्रमा के 8वें तत्पश्चात 9वें भाव में चलने से मानसिक दबाव और नकारात्मक सोच बनी रहेगी और भ्रम की स्थिति भी संभावित है। कुछ मामले लंबित हो सकते हैं, मगर साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक सिद्ध होंगे। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। नई कार्य योजनाओं के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। छोटी यात्रा और देव दर्शन के योग बनते हैं। संतान संबंधी मामलों में खर्च का संकेत मिलता है और वैवाहिक मामलों में रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। धनु राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की सक्रियता बनी रहेगी और मानसिक संतुष्टि महसूस होगी। अधूरे कार्य पूरे होंगे। साझेदारी के नए प्रस्ताव सामने आएंगे और योजनाएं फलीभूत होंगी। सरकारी कामकाज में लाभ मिलेगा और शैक्षणिक कार्यों में सफलता संभावित है। परिश्रम की प्रवृत्ति बरकरार रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। बृहस्पति बुध की युति 12वें घर में सकारात्मक विचारों को जन्म देगी। व्यावसायिक उपलब्धि और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा। साझेदारी लाभदायक रहेगी। संतान संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मकर राशि के जातकों को धैर्य, सकारात्मक सोच और स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। नकारात्मक विचारों का आना, मानसिक दबाव, कार्य क्षमता में कमी और भ्रमात्मक स्थिति का संकेत मिलता है। ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय सावधानीपूर्वक सोच समझकर लेना चाहिए। हालांकि गुरु व बुध की युति से विभागीय अधिकारियों का सहयोग और सकारात्मक प्रेरणा बनी रहेगी। काम करने में मन लगेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और संतान संबंधी मामलों में आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। आर्थिक लाभ में सहयोग मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कुंभ राशि के जातकों को परिवर्तनशील विचार प्रभावित करेंगे। हालांकि प्रबल दृढ़ इच्छा शक्ति बनी रहेगी और कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव लागू होंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सरकारी कामकाज में साझेदारी सफल रहेगी और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। पारिवारिक प्रेरणा बनी रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएँ शारीरिक और मानसिक स्तर को प्रभावित कर सकती हैं। साथ ही विवादित मामले संवेदनशील रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता संभावित है। साथ ही वैवाहिक प्रस्ताव अनुकूल रहेंगे। मीन राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में सुधार होगा। आपकी कार्य ऊर्जा और आत्मविश्वास हर काम करने में सक्षम होंगे। पहले की चली आ रही योजनाओं में गति आएगी। साझेदारी में लाभ मिलेगा और कार्य क्षमता बढ़ेगी। धैर्य और संयम से काम लेते हुए रचनात्मक प्रयास जारी रखें। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक क्षेत्र में सहयोग जारी है, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां भी रखनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास जारी रखें। सफल रहेंगे और वैवाहिक मामले अनुकूल रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही।
कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।